ही बरकत हूँ। अब जो मैं हाजिर हुआ हूँ आप तमाम के सामने, एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। मालूम होता है अभी हुकूमत ये सिलसिले को अभी जारी रखेगी, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि ये हालात में उन गुरबा को जिनके हाथों में आज पैसे होना चाहिए था, आज उनके घरों में राशन होना चाहिए था, लेकिन इस मजबूरी में है वो कि कोई उनके पास माली ज़रिया नहीं है, कोई उनके पास खाने का जो अनाज होना है। अब यहाँ रोज़ हुसैनिया मंजिल पंजे शाम में लोग आ जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ दीजिए। एक गरीब आदमी हूँ और एक आपके सामने एक खादिम की हैसियत से काम करता हूँ, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अहले खैर से अपील करता हूँ कि हमारे मिल्ली बैतुल माल में अपने अतियात या अपने तरफ से चावल या तेल या जो जो आप पहुंचा सकते हैं अगर पहुंचा दे। हमारा पता आसान है, उसामिया मंजिल पंजे शाह आखिर साहब का मकान। अल्लाह आपको इसकी बरकतें भी अता फरमाएगा और जितने लोगों तक ये अनाज पहुंचेगा उन सब की दुआएं भी आपके शामिल हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुझसे सवाल किया गया कि कितनों तक राशन पहुँचाए। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अल्लाह के फल से रोज़ 200 आदमियों को, 150 आदमियों को रोज़ मैं अनाज दे रहा हूँ, 5 किलो से लेकर 10 किलो तक। पहले मैं चावल भी दे रहा था, आटा भी दे रहा था, तेल भी दे रहा था, पूरा किट बना के दे रहा था, लेकिन अब मेरे हाथ इतने टाइट हो गए हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो आज से मैं चावल ही अपने तौर पे जितना हो सकता अपने अहले खैर हजरात से ताऊन ले कर रहा हूँ और माशाल्लाह वो सिलसिला चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। ये लॉकडाउन वजह से अब तक आप एक अंदाज़ा सा कितने लोगों तक पहुँचाए हैं? अंदाज़ा मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5-2 हज़ार के करीब, क्योंकि बाबा नगर में भी काम हो रहा है हमारा और क्या कहते हैं काले पत्थर में भी काम हो रहा है और मादरना पेट में भी काम हुआ है, तो निज़ामबाद में भी काम हुआ है और इसी तरीके से सूर्या पेट वगैरह में भी काम चल रहे हैं। हर जगह वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च के हमारे पास बिलान डाल रहे हैं, हमको बिलान भी अदा करने पैसे नहीं है हमारे पास। और अल्लाह से दुआ करें कि अहले खैर को अल्लाह इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उनके तरफ से, ये बहुत अजर अजीम का मामला है। और रमज़ान भी शुरू हो रहा है तो ज़कात सदक़ात अतियात भी दे सकते हैं। और ऐसे मामले में उलमा ने कहा है कि जो बिल्कुल कमज़ोर है और बिल्कुल बेचारे ऐसे है जिसको खाने को खाना नहीं है, इस वक्त अपन कैसे भी उनको अमल अपने पैसे उनको फराहम कर सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज अहले खैर हजरात से अपील करता हूँ कि सिलसिले में जो कुछ हो सकता हमारे पास रवाना करें, आपके हम शुक्रगुजार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने पे पत्थर रख के बोलना नहीं बोलना कैसा है दूसरों के लिए अपन अपने पर्सनली नहीं कर रहे कोई भी। मैं तो बाद आपका वो लिख के रख रहा हूँ, उनके वो भी लेकर रख रहा हूँ। टुडे दो तारीख 3:38 तेल का स्टॉक ऑलमोस्ट 300-500 लोगों के लिए, जो 8-10 दिन का पैकेज है। दाल, इमली, नमक, प्याज उधर पैक हो रही है, राइस का इंतज़ाम अभी चल रहा है।